हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम इस ड्रोन पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें जो लगता है ये 3.7 वोल्ट का लिथियम पॉलीमर बैटरी, इसे हम निकाल देंगे और यहाँ पर लगाएंगे 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी। दोनों का वोल्टेज सेम है और ये लैपटॉप का बैटरी है। इसके हम बैटरी का जो कवर है उसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये इसका पिन है जहाँ पर इसका बैटरी लगता है। यहाँ पर हमें दो वायर को लगाना होगा, पॉजिटिव में लाल वायर लगाएंगे और निगेटिव में ब्लैक वायर लगाएंगे। यहाँ पर इसका जो पिन है, इसका जो वायर है वो बहुत ही नज़दीक में है, इसीलिए हमें अच्छे से वायर लगाना होगा ताकि दोनों वायर आपस में टच नहीं हो। यदि दोनों वायर आपस में टच होगा तो ड्रोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बैटरी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे हमारा बैटरी ख़राब भी हो सकता है। इसके पिन में हमें वायर लगा देना होगा, उसके ऊपर से हमें कवर लगाना होगा। तो कवर के लिए हम फाइबर स्लिप को लगा दिए हैं। वायर को लगाने के बाद फाइबर स्लिप को आगे कर देंगे ताकि इसका जो वायर है वो ढक जाए, और इसे हमें इसमें अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें इस बैटरी को इसमें टेप के द्वारा चिपका देंगे। उसके बाद हम इसे यूज करके देखेंगे ये काम करता है या फिर नहीं करता है। हाय गाइस, यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दोनों वायर कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके फाइबर स्लिप को आगे कर देते हैं ताकि दोनों वायर आपस में टच नहीं हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा। अब हम इस वायर के पिन को अंदर दे देते हैं और कुछ वायर को बाहर निकाल देते हैं ताकि उसमें हम बैटरी को लगा सकें, और उसके कवर को हम लगा देंगे। जहाँ पर थोड़ा सा होल होगा वहीं से हम दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे। वायर को बाहर निकालने के बाद हम इसके कवर को अच्छे से लगा देंगे। फिर हम लिथियम आयन बैटरी को 3.7 वोल्ट का जो लिथियम आयन बैटरी है लैपटॉप का, उसे हम इसके सेंटर में रख देंगे और इस बैटरी को हमें इसके ठीक सेंटर में रख देना है ताकि इस पर जो फोर्स लगे वो बराबर लगे चारों मोटर पे। अब हम टेप के द्वारा इस बैटरी को यहाँ पर चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद हम दोनों वायर को लगा देंगे। और जब इसमें हम बैटरी का सप्लाई देंगे, यानी कि इसमें जो वायर लगाएंगे इसे हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और निगेटिव को निगेटिव में लगाना है। यदि आप गलती कर दियो पॉजिटिव को निगेटिव में और निगेटिव को पॉजिटिव में लगा दियो तो आपका ड्रोन तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसका जो सर्किट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो ख़राब हो जाएगा तुरंत, इसलिए आपको ध्यान से पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और निगेटिव को निगेटिव में लगाना है। मेरा जो बैटरी है 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी, ये इस पर टेप के द्वारा चिपक चुका है। अब हमें इसमें वायर को कनेक्ट करना है। दोनों रेड वाले वायर को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों रेड वायर जो है पॉजिटिव है। एक रेड वायर जो वो है बैटरी का पॉजिटिव और दूसरा रेड वायर ड्रोन से निकला है पॉजिटिव वायर, और फिर दोनों ब्लैक वायर को एक में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ब्लैक वायर निगेटिव है। और दोनों वायर को जोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पर वायर को लगा देना है ताकि दोनों वायर आपस में यहाँ पर चिपके नहीं, मतलब कि आपस में टच नहीं हो। फिर हम इसको इससे रिमोट के द्वारा इसे कंट्रोल करके देखेंगे इस बैटरी पर यह काम करता है या फिर नहीं करता है। और यदि ड्रोन पे आपको और भी एक्सपेरिमेंट का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वो वीडियो बना दूंगा। मैंने इसे ऑन कर दिया, तो चलिए अब इसे हम सही करके रख देते हैं और इसे हम इसके रिमोट के द्वारा इसे कंट्रोल करके देखते हैं ये उड़ पाता है या फिर नहीं उड़ पाता है, इस बैटरी पर यह काम करता है या फिर नहीं करता है। ये ड्रोन मेरा ऑन है, अब हम इस रिमोट को भी ऑन कर देते हैं। इसके पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ये ऑन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, और दोनों LED ब्लिंक जो कर रहा था वो बंद हो चुका है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके थ्रोटल को ऊपर करते हैं ये आप देख सकते हो, इसका जो दोनों चारों मोटर है वो बंद हो जाता है। तो फिर से हम इसे चला के देखते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा है, फिर से ऑफ करके ऑन करते हैं। इसके रिमोट को ऑन कर दिए, अब ये कनेक्ट हो गया, फिर से ये स्टार्ट हो चुका है चलने के लिए। अब जब भी हम इसके थ्रोटल को ऊपर करते हैं, यानी कि इसके मोटर को स्पीड करने के लिए इसके थ्रोटल को जब भी ऊपर करते हैं तो ये काम करना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब ये जो लिथियम आयन बैटरी है 3.7 वोल्ट का, इसमें इतना पावर नहीं है कि ये इस पर काम कर पाए। अभी जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, इसके बैटरी को चेंज करके लिथियम आयन बैटरी लगाया मैंने और इससे जो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये थ्रोटल को ऊपर करते हैं इसका ड्रोन का मोटर जो है वो बंद हो जाता है तुरंत। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ी देर पहले किया था, तभी मैं वीडियो नहीं बनाया था। ये थोड़ा देर थ्रोटल को ऊपर करने पे इसका जो मोटर है वो काम करता था, मतलब कि स्पीड होता था, लेकिन इसको हवा में नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन अभी शायद इसका बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इसीलिए ये तुरंत बंद हो जाता है। इसीलिए लिथियम आयन बैटरी आप इस ड्रोन में नहीं लगा सकते हो, ये इस पर वर्क नहीं कर पाता है। अब हम सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट में हम इस बैटरी को हटा देते हैं, ये जो सिंगल लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम डबल दो लिथियम आयन बैटरी लगाएंगे, और दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका जो वोल्ट है 3.7 वोल्ट का है, सिर्फ इसका एम्पियर ज़्यादा हो चुका है। इसे हम इस बैटरी ये जो बैटरी इसमें लगा हुआ है इसे हम काट करके हटा देंगे और डबल बैटरी पर इसे लगा के देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंट करने से आपको ये तो पता चल गया कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है,
लिथियम पॉलीमर के कंपैरिजन में। और लिथियम पॉलीमर बैटरी इसलिए लगाया जाता है ड्रोन में क्योंकि वो उसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा होता है और उसका जो वजन होता है वो भी कम होता है, इसीलिए लिथियम पॉलीमर बैटरी ड्रोन सब में लगाया जाता है। ड्रोन हेलीकॉप्टर सब में लिथियम पॉलीमर बैटरी इसीलिए यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर दो दो बैटरी लगा दिए हैं, अब इस पर हम काम करके देखते हैं ये वर्क कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। इसे हम ऑन कर दिए हैं और ठीक उसी तरह इस बार हम इस बैटरी को नीचे में ही छोड़ दिए हैं ताकि वजन भी कम हो जाए। इसे ऑन करते हैं और फिर से ठीक उसी तरह इसे फ्लाई करके देखते हैं यह काम करता है या फिर नहीं करता है। ये आप देख सकते हो ठीक उसी तरह ये तुरंत चारों का चारों मोटर बंद हो जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब मैं ये एक्सपेरिमेंट किया था तभी मैं वीडियो नहीं बनाया था तो ये चारों मोटर उड़ने के लिए रोटेट होता था स्पीड में लेकिन ये हवा में नहीं उड़ पा रहा था दो बैटरी पर भी।